अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इजीएस्ट कस्टर्ड केक रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हम कस्टर्ड केक को विदाउट ओवन विदाउट एग्स घर पर बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में उससे भी ज़्यादा इजी होता है फ्रेंड्स। तो ज़रूर ट्राई करना है इस इजीएस्ट केक को अपने घर पर। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तेल, छोटे कप से 1 कप तेल, दूध, मैदा, कस्टर्ड पाउडर, शुगर, बेकिंग पाउडर। पहले हम शुगर, ऑयल और दूध, ये तीन चीज़ों को डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मेरे पास पिसी हुए शुगर नहीं थी, अगर आपके पास पिसी हुए शुगर है तो आप वो डालिए। दूध डाल देंगे अब और इसको, इन तीन चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम किसी एक छन्नी ले लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद छन्नी ले लेंगे, उसमें हम सबसे पहले मैदा, कस्टर्ड पाउडर, 2 चमचे मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। चीज़ों को, यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से छान लेंगे बेकिंग पाउडर डालकर। यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद छान लिया है मैंने इसको अच्छे से फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको हम एक अच्छी कंसिस्टेंसी आए तक मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर कर। बी केयरफुल, दूध ज़्यादा मत ऐड करिए वरना ये पतला हो जाएगा तो केक नहीं बनेगा, एकदम ख़राब केक बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर कर आप इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी आए तक मिक्स करें। यहाँ पर बैटर थिक है तो मैं थोड़ा दूध और ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी इस तरीके की होनी चाहिए। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी, इस केक मोल्ड में हम ये केक बैटर को डाल देंगे इस मोल्ड में। यहाँ पर हम विदाउट ओवन बना रहे हैं तो हम नमक का यूज़ करेंगे। इस तरीके से नमक डाल देंगे, कोई रिंग रख देंगे, इसके ऊपर जो केक का मोल्ड है वो हम रख देंगे और इसको हम 35 से 40 मिनट्स तक इसको हम बेक करेंगे। पेपर हम इस तरीके से रख देंगे ताकि एयर बाहर ना जाए। मीडियम फ्लेम पर 35 से 40 मिनट्स तक हम इसको बेक करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, थोड़े से मैंने काजू ऊपर से डाल दिए थे। यहाँ पर हम केक को अब चेक करेंगे तो केक एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। आप ट्राई कीजिएगा इस इजी केक को अपने घर पर। नाइफ़ से चेक कर लेंगे कि केक अंदर से पका है या नहीं, नाइफ़ एकदम क्लीन है तो इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। केक का कलर नीचे तक भी केक अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा टेस्टी कस्टर्ड केक बन के रेडी हुआ है। इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे तो ट्राई कीजिएगा आप इस टेस्टी केक को फ्रेंड्स। फ्रेंड बात बोलना मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, जब भी आप केक को चूल्हे पर बेक करें, जिस जिस पैन में, कुकर में, कढ़ाई में भी आप अगर आप केक को बेक कर रहे हो तो उसे 5 से 6 मिनट्स पहले स्लो फ्लेम पर गर्म होने, यानी कि प्री हीट होने के लिए ज़रूर रखिएगा। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी टेस्टी केक रेसिपी को, और ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी